नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। छत्तीसगढ़ फिल्म में कई रोल अदा करने वाले अभिनेता संजय बत्रा पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया है। दर्शन, राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाने में FIR दर्ज हुआ है। बता दें कि उनकी पत्नी ने उन पर FIR दर्ज कराया है। उनकी पत्नी ने उन पर जबरदस्ती अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। बता दें कि संजय बत्रा प्रसिद्ध बालिका वधू टीवी सीरियल, वेब सीरीज और कई हिंदी धारावाहिक के साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। संजय बत्रा राजधानी रायपुर के रहने वाले हैं। इस मामले में संजय बत्रा की पत्नी ने कबीर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि संजय बत्रा और उनकी शादी 16 जुलाई 2019 को आर्य समाज में हुए थे। इसके बाद वह दोनों मुंबई में रहने लगे। इस दौरान आरोपी संजय बत्रा ने उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और अवैध शारीरिक संबंध भी बनाया। आगे उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ रायपुर स्थित निवास में जबरदस्ती अवैध शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। संजय बत्रा की पत्नी ने यह भी बताया कि उन्हें जब महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाया तो आरोपी संजय बत्रा ने अपने दोस्तों से फोन करवाकर केस वापस लेने की धमकी दिलवाने लगे थे। उसके साथ ही फीस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को शहर में बदनाम करने की धमकी भी दिया था। यहाँ तक नहीं रुका और एक दिन उसने रात में अपने दोस्त को घर भी भेज दिया था। पीड़िता की शिकायत पर अब आरोप संजय बत्रा के खिलाफ कबीर नगर पुलिस ने धारा 294, धारा 323 और 506, साथ ही धारा 377 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। कबीर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी राजधानी रायपुर में नहीं है, अब उसकी तलाश की जा रही है। संजय बत्रा हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेब सीरीज और सीरियल के जाने माने चेहरे हैं। इससे पहले भी उसकी पत्नी ने उन पर किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप भी लगाई थी, लेकिन इस बार उनकी पत्नी ने स्वयं के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाए हैं। बता दें कि संजय बत्रा की शादी में कई छत्तीसगढ़ी स्टार भी शामिल हुए थे, लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि संजय बत्रा फिलहाल फरार है, उसकी तलाश जारी है। अब देखना होगा कि संजय बत्रा को कब पुलिस अपने शिकंजे में ले पाती है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ टीकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमें आवेदन के ऊपर से जांच की गई है उस पर, और 377 की धारा 323 वगैरह के साथ उसमें लगाया गया है। आरोपी की जांच जारी है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। क्या पूरी घटना है? महिला के हिसाब से उसके साथ अननेचुरल इवेंट किए गए हैं, तो उससे 377 सेक्शन IPC का लगाया गया, और उसने आरोप लगाया था अपने पति पे कि उसने उसके साथ मारपीट भी की है। मैम, इसके अलावा एक जो पति है उसने भी एक शिकायत दी है थाने में भी, ऐसा जी वो एक पुरानी शिकायत है जिस पे जांच हो रही है। मैम, आरोपी जी संजय बत्रा।